मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो है नारी। वो इठलाती है, वो शर्माती है, वो काली है, वो घर वाली है, वो इस जहां की रानी है। क्वींस क्लब ने इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे महिलाओं का वो रूप दर्शाया जो किसी से कम नहीं है, जो किसी से डरती नहीं है। रंग रूप की साजो सजावट से दूर वो असली सोना है। वो खिलखिलाती है, वो अठखेलियां करती है, मौका मिले तो दुनिया को भी संभालती है। क्वींस क्लब ने इस वुमेन्स डे मैक्स हेल्थ केयर शालीमार के साथ मिलकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर बात की, जहां रेप्यूटेड डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। आप वुमेन्स डे को कैसे देखती हैं? मेरे लिए हर रोज वुमेन्स डे है, बिकॉज एक दिन वुमेन्स डे नहीं हो सकता। आप दिस इज़ माई मैसेज टू ईच एंड एवरी ब्यूटिफुल वर्सेटाइल वुमेन इन दिस वर्ल्ड कि हर दिन क्वींस क्लब ने वर्सेटाइल वुमेन को इस वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर बनी मॉडल एक्ट्रेस एंड मिस इंडिया टूरिज्म ईशिका तनेजा एंड एक्ट्रेस मोनिका कोहली। पूरा दिन जब महिलाओं के जश्न का था तो जश्न कैसे ना होता। स्टेज परफॉर्मेंस, क्विज और ये बताना कि हाँ हम स्पेशल हैं। In some way or the other, all of us are queen. We are a special gender. प्रोग्राम में मैक्स हेल्थकेयर शालीमार बाग से डॉक्टर्स ने भी लिया हिस्सा। सुनिए उनसे कि क्या है आज की औरत की जरूरत और क्वींस क्लब का ये इनिशिएटिव कैसा रहा। तो अब मेरे साथ में डॉक्टर एस एन बासु जी हैं और मैम हम यहाँ पे क्वींस क्लब के वुमेंस डे सेलिब्रेशन में हैं। आप डॉक्टर हैं और हम यहाँ पे वुमेंस डे क्लब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक डॉक्टर और इधर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? ऐसा है कि आई एम ऑल्सो अ वुमन, ऑल्सो हैव अ फैमिली एंड हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, हर तरह से एजुकेट करना चाहिए, जिससे कि वो खुद भी हेल्दी रहें, परिवार को भी हेल्दी रखें। क्लब है, इनकी चाहत है कि ये लोग भी चाहते हैं कि ये लोग कुछ करें समाज के लिए। ये एक तरीका है कि ये लोग मिलजुल कर करके थोड़ा सा इन अ लाइटर मूड सारी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तभी हम लोग भी आए हैं यहाँ पर। और इसी हंसी खेल कूद में बीच में कुछ कुछ सीरियस बातें भी हो जाती हैं, उनको हेल्थ के बारे में जानकारी, अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, परिवार को हेल्दी कैसे रखें, इसके बारे में हम लोग जानकारी देना चाहते हैं। तो मैम यू थिंक कि इस तरीके के इवेंट्स और होने चाहिए ताकि हम लोगों को ज़्यादा अवेयर कर सकें, बिकॉज़ लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। बिल्कुल सही कहा, आई थिंक इस तरह के इवेंट्स और होने चाहिए एंड जिसमें कि हम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें। हमको लगता है कि हर प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ ऐसी ही मीटिंग्स नहीं, जहाँ भी हम लोगों को मौका मिले हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में स्प्रेड करना चाहिए। आई सिंसियरली फील दैट, तो इसलिए इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम स्कूल। स्कूल में भी बच्चों को जानकारी दें, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से सीख करके घर में आते हैं तो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए हमारी टीचर्स क्या बता रही हैं उनको भी हम लोगों को एजुकेट करना, तो चाहे स्कूल की एक्टिविटीज़ हों, कॉलेज की एक्टिविटीज़ हों, क्लब्स की एक्टिविटीज़ हों, या कोई और मीटिंग्स वगैरह भी हों इन लोगों की, तो वहाँ भी जा करके हम लोगों को इंटरेक्ट, बाहर निकल करके इंटरेक्ट करके इनको सब के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और अब मेरे साथ में है डॉक्टर अनु गोयल। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड बहुत ज़रूरत होती है, मतलब वुमेंस को एक एज के बाद में चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत होती है, परेशान हो जाती है, कन्फ्यूजन होता है। ऑन दिस वुमेंस डे व्हाट यू हैव टू से फॉर द वुमेन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यू आर सेइंग वुमेन एट सर्टेन एज, व्हाट एज आर यू टॉकिंग अबाउट? इट्स अबाउट जब हम शादी कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं कि हमें काम बाहर करना जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसमें बहुत बार क्या होता है कि लेडीज़ डिप्रेशन में चली जाती हैं, राइट, कि हम अपना ड्रीम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फैमिली, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है उस टाइप। अच्छा, सबसे पहले मैं बोलूँगी सिर्फ शादी के बाद ज़रूरत नहीं होती है। मेरी प्रैक्टिस में और जो मैंने देखा है एज पर रिसर्च, सब वुमेन को, या सिर्फ वुमेन नहीं मैन को भी, बिकॉज मैं स्पेसिफाइंग वुमेन राइट नाउ, मैं बोलूँगी वुमेन को हर एज में, हर स्टेज में ज़रूरत है, बच्चों को भी ज़रूरत है। काफ़ी बार हम डरते हैं जाने को साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास, ये सोच के कि यार क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, किसी ने देख लिया तो, या वो क्या करेंगे। हम किसी को खाते नहीं हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, आप आएंगे हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई भी कठिनाइयाँ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, यू बी विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, इवन अ साइकैट्रिस्ट इफ इट्स रिक्वायर्ड,
एंड वी कैन हेल्प यू टू सॉर्ट आउट योर इश्यूज की बात करें तो इस समय वुमेन हेल्थ इंडिया में सबसे बुरी हालत में है अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स अगर देखे तो ऑन दिस वुमेन्स डे व्हाट यू वांट टू टेल ऑल द वुमेन्स ओवर देयर आई वुड लाइक टू गिव वन मैसेज टू ऑल द वुमेन इन आवर कंट्री दैट यस इन आवर कंट्री द हेल्थ सिस्टम इज नॉट वेरी गुड द नेशनल पॉलिसीज फ्रॉम द गवर्नमेंट आर नॉट वेरी गुड बट स्टिल यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ सबको अपना हेल्थ का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा और बहुत मुश्किल नहीं है पहले हम लोग बोलते थे कि कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए आजकल वो कंसेप्ट नहीं है आजकल है प्रिवेंटिव हेल्थ का कंसेप्ट इसमें क्या है कि आपको हर साल अपना एक जनरल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए फॉर ऑल द नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि मोस्टली एज रिलेटेड होती हैं सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं कॉमन जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ऑस्टियोआर्थराइटिस वीमेन में बहुत कॉमन है आफ्टर द एज ऑफ मेनोपॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस आर वेरी कॉमन तो आप पीरियडिकली अपने डॉक्टर के पास जाइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी क्योंकि आजकल प्रॉब्लम एकदम से मैनिफेस्ट होती हैं उसके बाद उनका क्योर करना थोड़ा डॉक्टर्स के लिए मुश्किल होता है अगर आप पहले से ही जाएंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर द डॉक्टर टू क्योर यू ऑल्सो सो दैट इज़ द मेन मैसेज थैंक यू सो मच मैम एंड हैप्पी वुमेन डे ये इवेंट महिलाओं की मुस्कान के लिए कितना ज़रूरी था ये बताया एक माँ एक वाइफ और स्वर्ष चॉकलेट्स की ओनर ने Hi everyone. I hope she needs no introduction. Thank you ma'am. शुरुआत से मैं सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा आपके लिए कि नारी दुर्गा है नारी दुर्गा है नारी ही लक्ष्मी है नारी दुर्गा है नारी ही लक्ष्मी है नारी सरस्वती है नारी गंगा है नारी ही सरस्वती है नारी ही सरस्वती है नारी ही भक्ति है नारी सरस्वती है नारी ही भक्ति है चाह कर भी भूल कर भी कभी इस नारी का दिल ना दुखाना क्योंकि नारी ही इस युग की सबसे बड़ी शक्ति है शाम ढलने लगी क्षमा बुझने लगी पर ये उत्साह हमेशा ऐसे ही रहेगा ज्योति नागपाल और रीनू कपूर के अथक प्रयास से इतने शानदार कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया वो खूबसूरत है क्योंकि उनका दिल खूबसूरत है द क्वींस क्लब माय स्पेशल थैंक्स गिविंग्स टू ज्योति रीनू एंड हर ब्यूटीफुल टीम फॉर हैविंग गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू हार्ट टू हार्ट तुम बस ऐसे ही रहना कभी गुमसुम ना होना तुम्हारी हंसी चंचलता से रोशन है ये जहां नहीं तो सूखी मिट्टी सा है ये समा हैप्पी वुमेन्स डे